Hello students, welcome to today's class. So today we are going to cover some more topics of chapter 10, which is string manipulation. और इस chapter का part 3 है. इससे पहले part 1 और part 2 में बना चुका हूँ. अगर आप लोगों ने part 1 और part 2 video नहीं देखा है, तो आप लोग देख लेना. उन दोनों video के link आपको इस video के description में मिल जाएंगे, तो आप लोग check कर लेना. तो चलिए करते हैं आज के इस video को start और discuss करते हैं remaining topics को. तो last video में हम string के method and function को discuss कर रहे थे. तो देख लेते हैं कौन कौन से मेथड एंड फंक्शन रह गए हैं, उनको डिस्कस करते हैं. तो लास्ट वीडियो को हमने यहाँ पे एंड करा था. इससे पहले के जो मेथड एंड फंक्शन थे स्ट्रिंग के, वो हमने डिस्कस कर लिए थे. तो आज के इस वीडियो को यहाँ से स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं इस मेथड को, और इसके आगे के जो मेथड हैं उनको भी डिस्कस करेंगे. तो बात करते हैं फाइंड मेथड की, किसका काम क्या होता है. देखिए, तो फाइंड मेथड जो है वो रिटर्न करता है किसी भी सब स्ट्रिंग के इंडेक्स को. मतलब क्या हुआ कि कोई स्ट्रिंग है और उसमें अगर आप कोई सब स्ट्रिंग को फाइंड कर रहे हैं, तो जो सब स्ट्रिंग है जो भी फर्स्ट इंडेक्स पर आएगी उस इंडेक्स को ये रिटर्न कर देगा. ठीक है. एंड अगर इस मेथड के साथ में स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स नहीं बताते हैं कि सर्चिंग कहाँ से करनी है, तो ये सर्चिंग स्टार्ट करेगा 0th इंडेक्स से और जो भी लेंथ होगी स्ट्रिंग की वहाँ तक ये सर्च करेगा. और अगर वो सब स्ट्रिंग जो है उस गिवन स्ट्रिंग के अंदर नहीं मिलती है, तो ये रिटर्न कर देगा -1. मतलब क्या है, कोई स्ट्रिंग है और उसमें कोई आप सब स्ट्रिंग को सर्च कर रहे हैं और वो सब स्ट्रिंग अगर नहीं मिलती है, तो ये जो मेथड है वो रिटर्न कर देगा -1. तो चलिए इसका सिंटैक्स देख लेते हैं. देखिए यहाँ पे सिंटैक्स में क्या है, आप फाइंड लिखेंगे. ठीक है. इसके बाद में आप देंगे स्ट्रिंग, जिस स्ट्रिंग को भी आप सर्च करना चाहते हैं, और उसके बाद में आप देंगे स्टार्टिंग इंडेक्स की कौन से इंडेक्स से आप स्टार्ट करना चाहते हैं सर्चिंग को, और कौन से इंडेक्स तक आप करना चाहते हैं वो देंगे आप एंडिंग इंडेक्स में. मतलब कि कहाँ तक आप चाहते हैं कि सर्च करे, तो वो दे देंगे आप यहाँ पे. तो इसको और क्लियरली एग्जांपल से समझते हैं. ये देखिए यहाँ पे मेरे पास में str1 वेरिएबल है और इसके अंदर जो स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड, उसके बाद में लिखा है हेलो हेलो. ठीक है, ये पूरी एक स्ट्रिंग है. अब यहाँ पे देखिए मैंने लगाया फाइंड मेथड, और फाइंड मेथड में मैंने क्या बोला है कि जो str1 स्ट्रिंग है उसमें फाइंड करो, किसे फाइंड करो, हेलो. ये मैंने दे दिए सब स्ट्रिंग, और यहाँ पे मैंने दे दिए इंडेक्स कि कौन से इंडेक्स से कौन से इंडेक्स तक सर्च करना है. तो यहाँ पे दिया है मैंने स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, 10th इंडेक्स से, और कहाँ तक सर्च करना है, 20th इंडेक्स तक. तो इस रेंज के बीच में ये सर्च करेगा किसको, हेलो को, और ये हेलो जिस भी पहले इंडेक्स पे से मिलेगा उस इंडेक्स को ये रिटर्न कर देगा. तो देखिए यहाँ पे इसने रिटर्न करा है 13 इंडेक्स पे जो है हेलो मिल गया है. किस तरीके से मिला है आप लोग चेक कीजिए. ये हमारे 0, यह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो हमने दिया था यहाँ पे 10th इंडेक्स से सर्च करना स्टार्ट करना, तो यहाँ से तो सर्चिंग स्टार्ट होगी. तो यहाँ तक तो देखिए कोई हेलो वर्ड है ही नहीं यहाँ पे. इसके बाद में सर्चिंग को स्टार्ट करेगा ये यहाँ से, और यहाँ से चेक करेगा कौन से इंडेक्स पे मिलेगा इसको, देखिए 13, क्योंकि 10 था, 11, 12 एंड 13. तो 13 इंडेक्स पे से हेलो यहाँ पे मिल जाएगा, तो इसी को रिटर्न कर देगा, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा था जो भी पहला इंडेक्स इसे मिलता है उसी को ये रिटर्न कर देता है. तो इसे पहला इंडेक्स मिला है 13, तो इसको रिटर्न कर दिया इसने, इसको ये चेक नहीं करेगा, जो भी पहला इंडेक्स मिलेगा उसी को ये रिटर्न कर देगा. इसी तरीके से इस वाले को देखिए, इस वाले में मैंने रेंज दी है 15 से लेके 25. मतलब 15 इंडेक्स से लेके 25 इंडेक्स के बीच में सर्च करना है, क्या वर्ड सर्च करना है, हेलो. ठीक है, फाइंड फंक्शन लगा दिया है, और कौन से स्ट्रिंग में सर्च करना है, str1 के अंदर, जो str1 है उसमें सर्च करना है. ठीक है, और इस पूरे को कर दिया मैंने प्रिंट, तो हमारा आउटपुट ये दे देगा 19. क्यों आ रहा है 19, क्योंकि यहाँ पर सर्चिंग स्टार्ट हो रही है 15 इंडेक्स से. 15 इंडेक्स कहाँ पे, 13 तो हमारा यहाँ पे था, फिर आ गया 14 एंड आ गया 15. तो यहाँ पे देखिए यहाँ तक तो कोई हेलो है ही नहीं, इसको हेलो मिलेगा यहाँ पे कौन से इंडेक्स पे, देखिए 15 के बाद में 16 17 18 एंड 19. इस 19 इंडेक्स में मिल रहा है, इसीलिए इसने 19 को रिटर्न कर दिया है. अब बात करते हैं कि अगर हम स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स ना दें तो किस तरीके सर्च करेगा, तो ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग में सर्च करेगा, जो पूरी स्ट्रिंग होगी उस पूरी स्ट्रिंग में सर्च करेगा स्टार्टिंग से लेके एंड तक. किस तरीके से करेगा, देखिए यहाँ पे मैंने दिया है str1.findHello, तो मैंने बोला है str1 के अंदर फाइंड करो हेलो को, तो ये पूरी स्ट्रिंग में चेक करेगा और जो भी सबसे पहली बार इसे मिलेगा उसी को ये रिटर्न कर देगा. तो यहाँ पे देखिए 0th इंडेक्स पे ही इसे हेलो मिल जा रहा है, तो इसने रिटर्न कर दिया है 0th इंडेक्स. अब देखते हैं इस लास्ट वाले को, तो लास्ट वाले में देखिए यहाँ पे मैंने दिया है ही,
तो ही को सर्च करेगा पूरे के पूरे स्ट्रिंग में, तो ही इसे कहीं पे नहीं मिलेगा, क्योंकि देखिए ही इस स्ट्रिंग के अंदर नहीं है। तो मैंने आपको बताया था अगर किसी स्ट्रिंग के अंदर नहीं मिलती है सब स्ट्रिंग तो ये रिटर्न कर देता है -1, तो इसीलिए यहाँ पे आउटपुट आ रहा है -1। आई होप आपको इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी। तो चलिए इसको मैं प्रैक्टिकली भी करके दिखा देता हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पर करके दिखाता हूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ ए इक्वल, यहाँ लिख देता हूँ हेलो, एंड फिर देता हूँ हेलो, एंड यहाँ देता हूँ वेलकम, फिर देता हूँ वेलकम, एंड देता हूँ यहाँ पे हेलो। ठीक है, ये स्ट्रिंग मैंने दे दी है इस ए के अंदर। अब यहाँ पे मुझे सर्च करना है, तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ ए डॉट फाइंड, ठीक है, फाइंड मेथड लगा दिया। इसके बाद में सर्च करता हूँ मैं हेलो को, तो मैं देता हूँ यहाँ पे हेलो, और यहाँ पे देता हूँ मैं इंडेक्स, इंडेक्स देता हूँ सपोज 5 15, ये मैंने दे दी यहाँ पे रेंज। अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ इस पूरे को प्रिंट, यहाँ पर दे देता हूँ प्रिंट फंक्शन के अंदर, यहाँ कर देता हूँ इसको प्रिंट, ठीक है, जिससे कि हमारा आउटपुट आ जाए। तो मैं इसको रन करता हूँ, देखिए तो यहाँ पे दे दिया है 6 इंडेक्स। कौन से इंडेक्स पे? देखिए यहाँ पे 6 इंडेक्स, ये वाला, तो यहाँ पे इसे मिल गया ये 6 इंडेक्स पे, तो इसीलिए यहाँ पे इसने रिटर्न कर दिया 6 इंडेक्स को। अब मैं यहाँ से स्टार्टिंग और एंडिंग रेंज को हटा देता हूँ, देखिए इसे हटा देता हूँ मैं, ठीक है, और अब इसको सेव करके रन करता हूँ, तो क्या करेगा इस पूरी स्ट्रिंग में सर्च करेगा और जो भी पहले इंडेक्स पे से ये वर्ड मिलेगा उस इंडेक्स को ये प्रिंट कर देगा। देखिए ये देखिए इसने 0th इंडेक्स यहाँ पे दे दिया, क्योंकि जो हेलो है वो 0th इंडेक्स पे मिल गया है। अब देता हूँ यहाँ पे कोई ऐसी सब स्ट्रिंग जो कि यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, सपोज यहाँ दे देता हूँ मैं इस तरीके से ही, ठीक है, इसको सेव करता हूँ तो ये रिटर्न करेगा -1, क्योंकि ही जो है वो इस वाले स्ट्रिंग के अंदर नहीं है। तो यहाँ पे देखिए -1 ये रिटर्न कर देगा, ये देखिए यहाँ पे इसने -1 रिटर्न कर दिया है। तो आई होप आप लोगों को फाइंड मेथड समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की, जो कि हमारा इंडेक्स। तो देखिए इंडेक्स मेथड जो है ये भी बिल्कुल फाइंड मेथड की तरह ही है, लेकिन यहाँ पे जो है रेज होता है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब है आपको एरर जनरेट करेगा अगर कोई सब स्ट्रिंग किसी स्ट्रिंग के अंदर नहीं है, जबकि जो फाइंड मेथड था वहाँ पे क्या हो रहा था, अगर कोई सब स्ट्रिंग किसी स्ट्रिंग के अंदर नहीं मिल रही थी तो वहाँ पे -1 रिटर्न कर रहा था, लेकिन यहाँ पे ये एरर को जनरेट कर देगा। तो इसको और क्लियरली एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये रहा इसका सिंटैक्स, तो सिंटैक्स में क्या है, देखिए सबसे पहले आप जो मेन स्ट्रिंग है वो लिखेंगे, फिर डॉट लगा के इंडेक्स मेथड लगाएंगे, और उसके बाद में इंडेक्स मेथड के अंदर आप देंगे सब स्ट्रिंग, जिस सब स्ट्रिंग को आप इस वाली स्ट्रिंग में सर्च करना चाहते हैं वो सब स्ट्रिंग यहाँ पे दे देंगे। इसके बाद में स्टार्ट वैल्यू देंगे एंड देन एंड वैल्यू देंगे कि कौन से इंडेक्स से कौन से इंडेक्स के बीच में आप सर्च करना चाहते हैं वो आप दे देंगे। किस तरीके से करेंगे, देखिए यहाँ पे str1 एक वेरिएबल है जिसके अंदर स्ट्रिंग है हेलो वर्ल्ड, हेलो हेलो, ये स्ट्रिंग हो गई। अब यहाँ पे देखिए मैंने str1 पे लगा दिया है इंडेक्स मेथड, और इंडेक्स मेथड में मैंने दिया है हेलो वर्ल्ड, तो ये जो हेलो है ये सर्च होगा इस पूरी स्ट्रिंग के अंदर, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स मैंने नहीं दिया है। तो हेलो जो है वो हमारा 0th इंडेक्स पे है, तो यहाँ पे इसने रिटर्न कर दिया देखिए 0, ठीक है। अब बात करते हैं कोई ऐसी सब स्ट्रिंग दे देते हैं जो कि इस स्ट्रिंग के अंदर नहीं है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में देखिए मैंने लिख दिया है ही, तो ही जो है वो इस वाले स्ट्रिंग के अंदर नहीं है, तो ये जनरेट कर देगा एक एरर। क्या एरर देगा, यहाँ पे देखिए ये एरर जनरेट कर देगा वैल्यू एरर सब स्ट्रिंग नॉट फाउंड, जबकि जो फाइंड मेथड था वहाँ पर रिटर्न कर रहा था -1। तो आई होप आप लोगों को इंडेक्स मेथड भी समझ में आ गया होगा और इंडेक्स एंड फाइंड मेथड में क्या डिफरेंस है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की, तो नेक्स्ट मेथड जो है वो है हमारा एंड्स विद। तो एंड्स विद मेथड का काम क्या होता है, ही रिटर्न करता है ट्रू वैल्यू अगर कोई पर्टिकुलर स्ट्रिंग किसी पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग से एंड हो रही है, तो अगर एंड नहीं हो रही है तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स। मतलब क्या है कि लास्ट में उसके कोई पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग है तो ये रिटर्न कर देगा ट्रू, और अगर आपकी नहीं है वो सब स्ट्रिंग तो ये रिटर्न कर देगा फॉल्स। यहाँ पे देखिए इसको और क्लियरली एग्जांपल से समझिए, यहाँ पे देखिए str1 के अंदर मैंने रखा है हेलो वर्ल्ड, तो हेलो वर्ल्ड ये मेरी स्ट्रिंग है str1 वेरिएबल के अंदर। अब यहाँ पे जो है मैंने लिख दिया है str1 डॉट एंड्स विद वर्ल्ड, तो इसका मतलब क्या हुआ,
एंड्स विद मेथड की हेल्प से मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि जो स्ट्रिंग है वो मेरी वर्ड से एंड हो रही है या नहीं हो रही है। तो यहाँ पे देखिए जो मेरी स्ट्रिंग है वो वर्ड से एंड हो रही है, तो यहाँ पे रिटर्न कर रहा है ये ट्रू। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा है एंड्स विद डी, तो यहाँ पे डी से भी एंड हो रही है तब भी मेरा आउटपुट ट्रू आएगा। इसी तरीके से इस वाले को देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है एंड्स विद डबल एल ओ, तो इससे एंड नहीं हो रही है तो यहाँ पे आउटपुट आ रहा है फॉल्स। और ये आउटपुट क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने प्रिंट फंक्शन को लगा दिया है, इसीलिए आउटपुट यहाँ पे आ रहा है। प्रिंट फंक्शन में पी जो है वो कैपिटल हो गया है, आप लोग इसको सही कर लेना, ये गलती से हो गया है पी कैपिटल, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को एंड्स विद मेथड भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की, जो कि हमारा स्टार्ट विद। तो जिस तरीके से एंड्स विद मेथड का यूज़ कर रहे थे हम किसी स्ट्रिंग की एंडिंग को चेक करने के लिए कि पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग से वो एंड हो रही है या नहीं हो रही है, तो सिमिलरली स्टार्ट विद मेथड की हेल्प से हम चेक करते हैं किसी भी स्ट्रिंग की स्टार्टिंग कि पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग से स्टार्टिंग हो रही है या नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, और अगर नहीं हो रही है तो रिटर्न करेगा फॉल्स। इसको और क्लियरली यहाँ पे समझ लीजिए, देखिए str1 वेरिएबल के अंदर मैंने लिखी है स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड, ठीक है, ये स्ट्रिंग str1 के अंदर। अब यहाँ पे मैंने लगाया है स्टार्ट विद ही, तो इसका मतलब क्या है, जो str1 स्ट्रिंग है उसमें स्टार्टिंग जो है वो ही से हो रही है। अगर हो रही है तो ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। तो इस केस में देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग ही से हो रही है, तो यहाँ पे आउटपुट ट्रू आ गया है। अब बात करते हैं इसकी, यहाँ पे देखिए मैंने दिया है स्टार्ट विद ही, तो इस स्ट्रिंग की स्टार्टिंग ही से नहीं हो रही है, एस डबल ई इससे स्टार्टिंग नहीं हो रही है, तो इसीलिए यहाँ पे आउटपुट आ रहा है फॉल्स, ठीक है। और आउटपुट क्यों आ रहा है, क्योंकि इस पूरे को मैंने प्रिंट कर दिया है प्रिंट फंक्शन की हेल्प से। तो आई होप आप लोगों को स्टार्ट विद मेथड भी समझ में आ गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन रह रहा है तो इसको मैं प्रैक्टिकली भी करके दिखा देता हूँ। देखिए कोड मैंने यहाँ पे लिख लिया है, इसको मैं रन करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आपका ट्रू आ रहा है एंड सेकंड टाइम फॉल्स आ रहा है। अब यहीं पे मैं आपको एंड विद का भी यूज समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे लगा देता हूँ एंड विद, इसको हटा देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ एंड, एंड यहाँ पे भी कर देता हूँ एंड विद, ठीक है। और यहाँ लिख देता हूँ मैं सपोज LD, और यहाँ पे ये रहने देता हूँ, ठीक है। अब इसको रन करता हूँ तो इस वाले का जो आउटपुट आएगा वो ट्रू आएगा, एंड इसका जो आउटपुट आएगा वो फॉल्स आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो एंडिंग है वो LD से हो रही है, ठीक है। जो भी आपके लास्ट के लेटर हैं वो मैच करने चाहिए, चाहे 3 हो 4 हो, वो मैच कर जाने चाहिए। अगर मैच कर रहे हैं तो आपका आउटपुट ट्रू आएगा, अगर मैच नहीं कर रहे हैं तो फॉल्स आएगा। देखिए इसको चलाता हूँ मैं, ओके यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई है, चेक करते हैं। ओके ये मिस्टेक हो गई है, डबल एस लगा दिया यहाँ पे, इसको हटा देता हूँ एंड अब दोबारा से रन करता हूँ इसको। तो देखिए फर्स्ट टाइम आपका ट्रू आ रहा है एंड सेकंड वाले का फॉल्स आ रहा है। तो आई होप अब आप लोगों का स्टार्ट्स विद एंड एंड विद का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की, जो कि हमारा इज एल नाम। तो ये मेथड जो है वो यूज होता है अल्फा न्यूमेरिकल वैल्यू को चेक करने के लिए। मतलब क्या है, किसी स्ट्रिंग में अगर कोई अल्फा न्यूमेरिकल करेक्टर है तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, और अगर अल्फा न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, कोई वाइट स्पेस है या कोई स्पेशल करेक्टर है उस स्ट्रिंग के अंदर, तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स, और अगर एम्प्टी होगी तब भी रिटर्न करेगा फॉल्स। तो इसको और क्लियरली एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए यहाँ पे इस एग्जाम्पल को देखिए, यहाँ पे जो है मैंने str1 के अंदर रखी है स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लगा दिया है इस lnum मेथड, तो मैं चेक कर रहा हूँ str1 के अंदर lnum वैल्यू है या नहीं है, अगर है तो ये रिटर्न कर देगा ट्रू। तो यहाँ पे देखिए हमारे अल्फाबेट हैं लेकिन नंबर नहीं है, तो ओनली अल्फाबेट होते हैं अगर आपके स्ट्रिंग में तब भी ये रिटर्न करेगा ट्रू, इसीलिए यहाँ पे आउटपुट दे रहा है ये ट्रू। अब यहाँ पे देखिए str2 के नाम से मैंने दूसरा वेरिएबल लिया है, और यहाँ पे जो स्ट्रिंग पास की है वो है मेरी हेलो वर्ल्ड 2, फिर मैंने इस स्ट्रिंग पे इस एलना मेथड को अप्लाई कर दिया है, तो इस केस में भी जो आउटपुट आएगा वो मेरा ट्रू आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे अल्फाबेट है एंड नंबर है, अल्फाबेट नंबर दोनों होंगे तब भी आपका आउटपुट ट्रू आएगा। इसी तरीके से यहाँ पे मैंने str3 नाम से वेरिएबल लिया है,
और इसके अंदर स्ट्रिंग कर दी है 2312। अब ये नंबर है लेकिन स्ट्रिंग टाइप के हैं, तो यहाँ पे इस स्ट्रिंग को मैंने चेक किया है इज एल नम मेथड की हेल्प से, तो अभी मेरा आउटपुट ट्रू आएगा। क्यों आएगा ट्रू? क्योंकि यहाँ पे देखिए अल्फाबेट तो नहीं है लेकिन सारे नंबर्स हैं, और जो नंबर हैं वो आपके स्ट्रिंग टाइप के हैं। तो अगर आपकी स्ट्रिंग में अगर कोई अल्फाबेट नहीं है, सारे के सारे नंबर्स हैं, तब भी आपका आउटपुट ट्रू आएगा इस मेथड की हेल्प से। अब बात करते हैं इसकी। यहाँ पे देखिए str4 के नाम से मैंने वेरिएबल लिया है और इसके अंदर स्ट्रिंग पास कर दिया हेलो वर्ल्ड, और दो एक्सक्लेमेशन मार्क भी यहाँ पे दे दिए इस स्ट्रिंग में। अब इस स्ट्रिंग को मैंने चेक किया है इज एल नम मेथड की हेल्प से, तो इस बार जो आउटपुट आएगा मेरा वो आएगा फॉल्स। क्यों आएगा फॉल्स? फॉल्स इसलिए आएगा क्योंकि इस स्ट्रिंग में अल्फाबेट तो है लेकिन यहाँ पे स्पेशल करेक्टर भी आ गया है, तो यहाँ पे अल्फा न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, ना ही प्योर अल्फाबेट है और ना ही प्योर नंबर्स है, या फिर दोनों को कह सकते हैं कॉम्बिनेशन भी नहीं है, यहाँ पे स्पेशल करेक्टर्स आ गए हैं। तो मैंने आपको बताया था अगर कोई व्हाइट स्पेस या स्पेशल करेक्टर्स आ जाते हैं तो रिटर्न करता है फॉल्स, इसीलिए इसने यहाँ पे रिटर्न करा है फॉल्स। तो आई होप आप लोगों को इस एलनम मेथड का भी यूज समझ में आ गया होगा। अगर कुछ कन्फ्यूजन रह रहा है तो इसको चला के दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पे वो पूरा कोड मैंने लिख दिया है जिससे कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। तो देखिए इसका जो आउटपुट होगा वो ट्रू आएगा, एंड इसका भी आउटपुट ट्रू आएगा, एंड इसका भी ट्रू आएगा, एंड जो लास्ट वाला इसका आएगा फॉल्स। चलिए मैं चला के दिखाता हूँ इसको। ये देखिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 3 टाइम ट्रू ट्रू आ रहा है, इसके बाद फॉल्स आ रहा है। तो आई होप आपका इस एलनम मेथड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की, जो कि हमारा इज लोअर। तो ये मेथड जो है वो यूज होता है चेक करने के लिए किसी भी स्ट्रिंग को कि वो लोअर केस में है या नहीं है, मतलब जो स्ट्रिंग के अल्फाबेट हैं वो लोअर केस में है या नहीं है। अगर है तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, और अगर जो स्ट्रिंग है उसमें एटलीस्ट वन करेक्टर जो है वो आपका स्मॉल लेटर में है, मतलब लोअर केस में है, और बाकी के जो है वो आपके नॉन अल्फाबेट करेक्टर्स हैं, मतलब वो अल्फाबेट नहीं है, कुछ और करेक्टर्स हैं, तब भी ये रिटर्न करेगा ट्रू। तो इसको और क्लियरली एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे सपोज कि str1 मेरे पास में एक वेरिएबल है जिसके अंदर स्ट्रिंग है हेलो वर्ल्ड। अब यहाँ पे मैंने देखिए str1 पे अप्लाई किया है इज लोअर मेथड, तो ये क्या करेगा, ये चेक करेगा str1 के अंदर जो स्ट्रिंग है वो लोअर केस में है या नहीं है। है तो रिटर्न करेगा ट्रू, और अगर नहीं है तो रिटर्न करेगा फॉल्स। तो यहाँ पे हमारी जो स्ट्रिंग है वो लोअर केस में है, तो इसीलिए इसने रिटर्न करा है ट्रू। इसी तरीके से इस वाले को देखिए, यहाँ पे str2 जो वेरिएबल है इसके अंदर स्ट्रिंग है हेलो 1 2 3 4, तो यहाँ पे भी हमने इज लोअर मेथड अप्लाई करा है इस स्ट्रिंग पे, और यहाँ पे भी इसने रिटर्न करा है ट्रू। क्यों करा है? क्योंकि यहाँ पे देखिए जो हेलो है वो तो आपके लोअर केस में है, और बाकी के जो करेक्टर्स हैं वो आपके अल्फाबेट है, मतलब क्या है, नॉन अल्फाबेट करेक्टर्स हैं, तो इसीलिए यहाँ पे ट्रू आया है। क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर एक करेक्टर भी आपका स्मॉल में है और बाकी सारे के सारे अगर नॉन अल्फाबेट करेक्टर हैं, तब भी आपका आउटपुट ट्रू आएगा। जैसे कि आप इस वाली स्ट्रिंग में देख सकते हैं str3 जो वेरिएबल है इसके अंदर स्ट्रिंग है हेलो और दो क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं, तो यहाँ पे भी मैंने इज लोअर मेथड लगाया है और इस पूरे को प्रिंट कर दिया है, तो यहाँ पे भी हमारा आउटपुट ट्रू आया है। क्यों ट्रू आया है? क्योंकि यहाँ पे देखिए हेलो जो है वो आपका लोअर केस में है और बाकी के जो करेक्टर हैं वो आपके नॉन अल्फाबेट करेक्टर हैं, इसीलिए यहाँ पे ट्रू आ गया है। अब बात करते हैं इस स्ट्रिंग की। यहाँ पे देखिए स्ट्रिंग जो है वो आपकी 1 2 3 4 है, तो इस बार जब चेक करा है इस लोअर मेथड की हेल्प से, तो इस बार जो आउटपुट आया है वो फॉल्स आया है। क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पे देखिए जो स्ट्रिंग है उसके अंदर जो है अल्फाबेट नहीं है, ये नंबर्स हैं, तो यहाँ पे लोअर केस और अपर केस का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे फॉल्स आ गया है। इसी तरीके से इस वाले को देखिए, यहाँ पे str5 के अंदर हेलो वर्ल्ड है, तो हेलो वर्ल्ड जो है देखिए यहाँ पे हेलो का एच कैपिटल है एंड वर्ल्ड का डब्ल्यू कैपिटल है, तो यहाँ पे जब चेक करा है इस लोअर मेथड की हेल्प से, तो भी आउटपुट हमारा फॉल्स आया है। क्यों आया है फॉल्स? इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे देखिए स्ट्रिंग जो है वो पूरी लोअर केस में नहीं है। अगर स्ट्रिंग में एक लेटर भी कैपिटल में आ गया तो आउटपुट आपका फॉल्स आएगा, मतलब क्या है, जितने भी अल्फाबेट हैं वो सारे के सारे आपके लोअर केस में होने चाहिए, तभी आउटपुट आपका ट्रू आएगा। तो इसको मैं आपको चला के भी दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने पूरा कोड लिख दिया है, तो जो आउटपुट आएगा वो आपका 3 टाइम ट्रू आएगा एंड 2 टाइम फॉल्स आएगा। ठीक है, तो इसको मैं चला के दिखाता हूँ।
तो यहाँ पे देखिए थ्री टाइम ट्रू आ रहा है एंड टू टाइम फॉल्स आ रहा है, और किस तरीके से आ रहा है आउटपुट ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है। तो आई होप आप लोगों को इस लोअर मेथड का भी यूज समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की, जो कि हमारा इज अपर। तो इज अपर जो है बिल्कुल इज लोअर की तरह ही है। जैसे इज लोअर जो था वो लोअर केस को चेक करने के लिए था कि कोई स्ट्रिंग लोअर केस में है या नहीं है, इसी तरीके से अपर केस जो आपका मेथड है इसका काम होता है स्ट्रिंग को अपर केस में चेक करने के लिए कि किसी स्ट्रिंग में जो करेक्टर्स हैं वो अपर केस में है या नहीं है। अगर सारे के सारे करेक्टर अपर केस में है तो ये आउटपुट आपको देगा ट्रू, और अगर स्ट्रिंग में एटलीस्ट वन करेक्टर आपका अपर केस में है और बाकी के जितने भी करेक्टर हैं वो आपके नॉन अल्फाबेट करेक्टर हैं तब भी आपका आउटपुट ट्रू ही आएगा, अदरवाइज आपका आउटपुट जो है वो फॉल्स आएगा। तो इसको भी एग्जांपल से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे str1 एक वेरिएबल है जिसके अंदर स्ट्रिंग है हेलो वर्ल्ड, और हेलो वर्ल्ड जो है वो मेरी पूरी कैपिटल में है। इसके बाद में यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगा हुआ, ठीक है। अब जब इस पे हम अप्लाई करेंगे इज अपर मेथड को तो ये आउटपुट देगा हमें ट्रू। क्यों देगा ट्रू? इसलिए देगा क्योंकि यहाँ पे देखिए str1 जो स्ट्रिंग है वो हमारी पूरी अपर केस में है और ये जो है हमारा नॉन अल्फाबेट करेक्टर है, इसीलिए यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा है वो ट्रू आ रहा है। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। देखिए str2 वेरिएबल है, इसमें मैंने लिखा है हेलो एंड लिखा है इसके बाद में 1 2 3 4। तो इस पे अगर हम अप्लाई करेंगे इज अपर मेथड को तब भी हमारा आउटपुट जो है वो ट्रू ही आएगा। क्यों आ रहा है ये ट्रू? ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हेलो जो है वो हमारा अपर केस में है और जो 1 2 3 4 है ये हमारे नॉन अल्फाबेट करेक्टर है। और देखते हैं एक एग्जाम्पल, यहाँ पे देखिए str3 वेरिएबल है जिसके अंदर मैंने स्ट्रिंग रखी है 1 2 3 4। अब इसमें मैं इज अपर मेथड को अप्लाई करूंगा तो आउटपुट आएगा मेरा फॉल्स। क्यों आ रहा है फॉल्स? क्योंकि देखिए यहाँ पे मैंने लगाया str1.isUpper, मतलब क्या है str3 के अंदर जो स्ट्रिंग है वो मेरी अपर केस में है या नहीं है, तो ये अपर केस में नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो है नॉन अल्फाबेट करेक्टर है, तो अपर केस लोअर केस का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो इसीलिए इसने आउटपुट दिया है फॉल्स। एक लास्ट एग्जाम्पल और देख लेते हैं। देखिए str4 यहाँ पे मैंने वेरिएबल लिया है और इसमें जो स्ट्रिंग दी है वो मैंने दी है हेलो वर्ल्ड, और हेलो का एस कैपिटल है एंड वर्ल्ड का डब्ल्यू कैपिटल है। तो अगर मैं यहाँ पे इस str4 पे इज अपर मेथड अप्लाई करता हूँ तो आउटपुट आएगा मेरा फॉल्स। अब क्यों आएगा फॉल्स? अब इसलिए आएगा फॉल्स, यहाँ पे देखिए एस कैपिटल है और यहाँ पे ओनली डब्ल्यू कैपिटल है, जबकि इस मेथड की रिक्वायरमेंट ये है कि सारी की सारी स्ट्रिंग जो है वो आपकी अपर केस में होनी चाहिए, या फिर एक भी आपका करेक्टर है वो अपर केस में हो और बाकी के जो करेक्टर हैं वो आपके नॉन अल्फाबेट करेक्टर होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इस स्ट्रिंग में ओनली वन करेक्टर जो है वो कैपिटल में है, लेकिन जो बाकी के करेक्टर हैं वो आपके नॉन अल्फाबेट करेक्टर नहीं है, ये भी यहाँ पे अल्फाबेट करेक्टर है, तो इन्हें भी कैपिटल में होना चाहिए था तभी ये आउटपुट आपका ट्रू देता। तो अपर केस फंक्शन में अगर आपका एक भी लोअर केस लेटर आ जाता है तो आउटपुट जो है वो आपको फॉल्स मिलेगा, मतलब ये फंक्शन जो है वो रिजल्ट आपको रिटर्न करेगा फॉल्स। तो इसको प्रैक्टिकली भी समझा देता हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे लेता हूँ वेरिएबल ए और इसके अंदर दे देता हूँ मैं सपोज हेलो, ठीक है ये दे दिया। अब यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ इज अपर मेथड को, तो मैं देता हूँ ए डॉट इज अपर, ठीक है ये मेथड अप्लाई कर दिया और इस पूरे को कर देता हूँ मैं प्रिंट, ठीक है मैंने प्रिंट कर दिया। अब मैं इसको सेव करता हूँ एंड रन करता हूँ तो आउटपुट मेरा ट्रू आएगा, ये देखिए यहाँ पे ट्रू आ गया है। अब अगर मैं इसमें कोई भी एक करेक्टर स्मॉल केस में कर दूं तो मेरा आउटपुट फॉल्स हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कर देता हूँ मैं स्मॉल में, ठीक है। अब मैं इसको सेव करके रन करता हूँ तो देखिए आउटपुट जो आएगा वो हमारा फॉल्स आएगा, तो देखिए यहाँ पे फॉल्स आ गया है। और अगर यहाँ पे मैं नॉन अल्फाबेट करेक्टर दे दूं तो ट्रू हो जाएगा, देखिए मैं करता हूँ इस ओ की जगह मैं कर देता हूँ यहाँ पे सपोज वन एंड यहाँ कर देता हूँ एट द रेट, ठीक है तो अब मेरा आउटपुट जो है वो ट्रू आएगा, ये देखिए यहाँ पे ट्रू आ गया, इस बार जो है आउटपुट ट्रू आ गया है। तो आई होप आप लोगों को इस अपर मेथड का भी यूज समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की, जो कि हमारा इज स्पेस। तो स्टूडेंट इस मेथड को डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो को यहीं से कंटिन्यू करेंगे और इस मेथड को डिस्कस करेंगे और जितने भी मेथड बचे हैं वो सारे कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। सो स्टूडेंट दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।